नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने उड़ीसा रेल हादसा को लेकर जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सभी प्रमंडल में समतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल स्थापना प्रस्ताव पारित। ट्रेन टिकट बुकिंग के समय महज कुछ पैसों में इंश्योरेंस जरूर कराएं। 2018 के बाद ग्रेजुएट छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के आवेदन के लिए एक और मौका। WTC फाइनल से पहले डेविड वार्नर ने की संन्यास की घोषणा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 के लिए नोटिफिकेशन जारी। भारतीय सेना में 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। इंडियन आर्मी TES 50 भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 60% अंकों के साथ 12वीं या इसके समक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं मैथ विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने JEE मेन 2023 में भाग लिया हो। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ओर से जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ ले। बिहार सरकार ने उड़ीसा रेल हादसा को लेकर जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर बिहार सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर संपर्क कर हादसे से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है। बता दें कि इससे पहले पटना जंक्शन पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, ताकि हादसे से जुड़ी जानकारी ली जा सके। वहीं अब बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस नंबर पर संपर्क कर लोग अपने अपने सगे संबंधियों के बारे में हादसे से जुड़ी हर एक खबर ले सकते हैं। मालूम हो कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वह 0612224902 04 और 2294205 है, जिस पर संपर्क कर आपातकालीन संचालन केंद्र से घटना से जुड़ी जानकारी लोग हासिल कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रेखा सहाय के बारे में। रेखा सहाय एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। रेखा एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट है और उन्होंने एक थिएटर कंपनी कारवा आर्ट्स में काम किया है। उन्होंने लोकप्रिय DD नेशनल के धारावाहिक 1989 में आई सर्कस में वलसम्मा की भूमिका निभाई। वह कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई दी है, जैसे 1987 में आई आगे मोड़ है, 1991 में आई किस्ती और 1996 में आई दायरा। वह 1993 में हिंदी टेलीफिल्म हिंडोला में भी दिखाई दी है। 1991 में रेखा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय से शादी की, जो 9वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। दंपति को एक बेटी यशस्विनी गौरी सहाय का आशीर्वाद प्राप्त है। बिहार के 28 जिलों में खुलेंगे ट्रैफिक थाने। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाने खोलने के लिए राज्य सरकार को 4215 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पटना समेत 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाना कार्यरत है। वहीं अगर राज्य के 28 जिलों में ट्रैफिक थाने खोल दिए जाते हैं तो राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर डेडिकेटेड पुलिस फोर्स की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। बता दें कि इस बारे में बिहार पुलिस ADG JS गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 28 में से 22 जिले जो बड़े हैं उनमें 165 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का स्ट्रेंथ तैयार किया जाएगा। वहीं बाकी बचे छोटे जिलों में 85 पुलिस कर्मियों का स्ट्रेंथ होगा। मालूम हो कि इसमें DSP व इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा और सिपाही तक के पद शामिल रहेंगे। बता दें कि इसके लिए जिलों को नई गाइडलाइन भी भेज दी गई है। सभी प्रमंडल में समतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल स्थापना प्रस्ताव पारित। समतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना को लेकर दिए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे जिलों में आवासीय विद्यालय की स्थापना को लेकर उपयुक्त जमीन की स्थिति का विवरण 20 जून तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि उस पर उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए नए चयनित स्थानों के उपयुक्तता की जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा, जो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और ANSINHA इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रमंडल में आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल का चयन करेगी। बता दें कि ऐसी संभावना जताई गई है कि वर्ष 2024 में अप्रैल में छठे वर्ग में इन प्रमंडल में स्थापित विद्यालयों में नामांकन ली जाएगी।
सीएम नीतीश ने बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर की समीक्षा बैठक। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अनी मार्ग स्थित लोक संवाद में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संभावित बाढ़ सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों से संबंधित मुख्य बातों की जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा सभी को निर्देश देते हुए कहा गया कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी पूरी तरह अलर्ट रहें, छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़ने की कार्य योजना बनाएं, नदियों के गाद की उड़ाही एवं सिल्ट हटाने को लेकर तेजी से कार्य करें, भूजल स्तर पर नजर रखें और पेयजल का इंतजाम करें। हर घर नल का जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे पूरी तरह मेंटेन रखें। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी सतत निगरानी करें और उसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी। बीते दिन बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जिन भी परीक्षार्थियों ने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, वे अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इस बार मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में सभी विषय की परीक्षा के लिए कुल 3,269 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,954 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि सभी विषयों की परीक्षा देकर कुल 59.59% बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से प्रथम श्रेणी से पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 715 तो वहीं द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 638 और तृतीय श्रेणी से पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 377 और पास श्रेणी में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 224 है। वहीं इस परीक्षा में एक या दो विषयों में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 68,353 थी, जिसमें 19,915 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि इनकी उत्तीर्णता प्रतिशत 25.26% रही। राज्य के 4 साइकिलिस्टों का चयन खेलो इंडिया में। राज्य के 4 साइकिलिस्टों का चयन भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण योजना खेलो इंडिया में हो गया है। बता दें कि जिन 4 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है, उनमें पूर्णिया के विकास कुमार एवं आर्यन, सिवान के विकास कुमार यादव और भभुआ के नीतीश कुमार के नाम शामिल है। इन चारों साइकिलिस्ट को इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा साई के गुवाहाटी साइकिलिंग ट्रेनिंग सेंटर पर साइकिलिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत साइकिलिस्ट को रहने, खाने एवं पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग की सुविधा भी भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मालूम हो कि सभी साइकिलिस्ट का चयन वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक एंड रोड साइकिलिंग में साइक्लिस्ट के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे चानकीगढ़ के बारे में। चानकीगढ़ पश्चिमी चंपारण में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टीला देखने के लिए मिलता है और किले के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह किला प्राचीन समय में चाणक्य का किला था, वह विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। यह किला ईंटों से बना हुआ है। अब इस किले के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह किला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का है। इस किले का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने के लिए मिलता है। यह किला पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह किला पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज में स्थित है। आप यहां पर पहुंच सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण का पिकनिक स्पॉट है। 2018 के बाद ग्रेजुएट छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के आवेदन के लिए एक और मौका। अगर आप भी उन छात्राओं में आती हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 के बीच उत्तीर्ण किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अगर आप बिहार सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित रह गई हैं, तो आपको यह राशि पाने का एक और आखिरी मौका मिल रहा है। मालूम हो कि इन छात्राओं को इस योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में जिन भी छात्राओं के द्वारा इस प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन नहीं किया गया था, उन्हें बता दें कि आवेदन करने के लिए पुराना पोर्टल इसी माह खुलने वाला है, जिसमें आवेदन के लिए सर्टिफिकेट का सत्यापन विश्वविद्यालयों से कराना होगा। वहीं वैसे छात्रा जिन्होंने आवेदन कर दिया है और भुगतान लंबित है, उन्हें भी जल्द प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा दी गई है। आरपीएफ ने 13 बैग विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें अवैध शराब से जुड़ी तस्करी के मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इन पर नकेल कसने के लिए भी लगातार जी तोड़ कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत इस बार रेल पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल रेल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए झांसी से कोलकाता जा रही ट्रेन से 2 तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुल 13 बैग अवैध शराब बरामद
बरामद किए गए हैं। सशस्त्र आयर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट प्रशांत कुमार पांडा के द्वारा इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। प्रदेश के 10 ग्रामीण सड़कें अब पथ निर्माण विभाग की। पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश के 115 किलोमीटर लंबी 10 ग्रामीण सड़कों का, जिसका वर्तमान में स्वामित्व व रखरखाव ग्रामीण कार्य विभाग के पास है, उसे अपने अधिग्रहण में लेने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद सड़क के स्वामित्व व रखरखाव की जिम्मेदारी भी पथ निर्माण विभाग की हो जाएगी। हालांकि इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 10 सड़कें हैं वे हाजीपुर, लखीसराय, बेनीपुर, दरभंगा व जहानाबाद पथ प्रमंडल की सड़कें हैं। मालूम हो कि इन सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिस वजह से ग्रामीण कार्य विभाग के तय मानकों के आधार पर निर्मित इन सड़कों में यातायात के बढ़ते बोझ को उठाने की क्षमता नहीं है और सड़क जल जर्जर हो जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इन सड़कों का जिम्मा पथ निर्माण विभाग को सौंपने का फैसला लिया गया है। ट्रेन टिकट बुकिंग के समय महज कुछ पैसों में इंश्योरेंस जरूर कराएं। अगर आप भी ट्रेन का सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग के समय महज 49 पैसे में यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है, जिसके तहत आपको लाखों का मुआवजा मिल सकता है। मालूम हो कि सिर्फ 49 पैसे में यात्रियों को भारतीय रेलवे की ओर से 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। बता दें कि IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी ऐप से टिकट बुक करते समय यूजर से इसके लिए परमिशन मांगी जाती है, जिसके तहत अगर ट्रेन के साथ कोई भी हादसा होता है तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। वहीं आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए, जबकि अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 2 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में अभी नहीं मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। जून की शुरुआत से ही बिहार के तापमान में भारी वृद्धि देखी जा रही है। पूरे बिहार के तापमान में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है और लोग गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 5 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई बदलाव का अनुमान नहीं है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक बारिश का भी कोई अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूरे राज्य का मौसम पूरी तरह शुष्क और तापमान में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। साथ ही 1-2 जगहों पर सतही हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर हो सकती है या झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दिन तक मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में करे आवेदन। अगर आप भी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका 30 जून 2023 तक का है। इच्छुक लोग आवेदन करने के लिए horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फूल, फल और सब्जी को बढ़ावा देना है। हालांकि इसके लिए आवेदक के पास निर्धारित किया गया पात्रता होना भी अनिवार्य है। अजीत शर्मा की जगह शकील अहमद खान को बनाया विधायक दल का नेता। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में स्थित सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक और विधान पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को कांग्रेस विधायक दल से हटाकर उनकी जगह शकील अहमद खान को विधायक दल के नेता चुन लिया गया है। बता दें कि इस बदलाव के पीछे का मुख्य वजह यह माना जा रहा है कि कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से बड़े पदों पर सवर्णों को नियुक्त किया गया है, जिससे पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं और पार्टी को गलत मैसेज भी जा रहा। इसी को देखते हुए अजीत शर्मा को पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस बैठक में अजीत शर्मा समेत 11 विधायक शामिल नहीं हुए थे। विपक्षी बैठक में राहुल खड़गे के न आने को लेकर कांग्रेस ने दी आधिकारिक जानकारी। 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि इस बैठक में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। वहीं अब इस बात पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए आधिकारिक तौर पर बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि 12 जून को होने वाले विपक्षी बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वह विदेश में है तो फिर बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस की ओर से एक मुख्यमंत्री और एक अन्य नेता शामिल होंगे। ओडिशा रेल हादसे के बाद बिहार में बीजेपी के सभी कार्यक्रम स्थगित।
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है कि ओडिशा की भयावह रेल दुर्घटना की खबर से मन काफी व्यथित है। मैं दुर्घटना में मृतकों के परिजनों और घायल के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज भाजपा के सभी कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में होने वाले कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सीतामढ़ी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि यह पूरे देश के लिए दुखद की घड़ी है। ऐसे में मृतकों के परिवार के साथ रहना चाहिए। ओम शांति। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर लिखे जाने तक ओडिशा में हुए रेल हादसे में 280 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 900 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ओडिशा रेल हादसे पर लालू यादव का केंद्र के खिलाफ बयान। ओडिशा के बालासोर में हुए भयंकर रेल हादसे में 280 से अधिक लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं अब इस घटना को लेकर राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दुख व्यक्त करते हुए केंद्र पर हमला करते हुए कहा गया कि यह हादसा रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ है, इसलिए इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और इस मामले से जुड़े जो भी दोषी सामने आते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही लालू यादव ने यह भी दावा किया है कि हादसे में करीब 800 लोगों की जान गई है जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि मृतकों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। नैतिकता के आधार पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने जनसुराज अभियान पर विराम लगाए हुए हैं, लेकिन वह लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है। बता दें कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा की मांग कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा वाली सरकार में 43 विधायक जीतकर नैतिकता के आधार पर 2020 का चुनाव नीतीश हार गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जुगाड़ से सीएम बने रहने का फॉर्मूला जान गए हैं। कभी बीजेपी का पैर पकड़कर तो कभी लालटेन पर लटक कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 में नीतीश नहीं हारे थे, लेकिन उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। असम में हुए रेल हादसे पर तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 291 लोगों की मौत के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, तो आज उनकी नैतिकता कहां चली गई? WTC फाइनल से पहले डेविड वार्नर ने की संन्यास की घोषणा। 7 जून से WTC फाइनल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल एक तरफ जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल को लेकर तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंग्लैंड में प्रैक्टिस के दौरान वार्नर के द्वारा कहा गया कि आपको रन बनाने होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि 2024 T20 विश्व कप शायद मेरा आखिरी मैच होगा। मैं शायद इसका श्रेय अपने और अपने परिवार को देता हूं। अगर मैं यहां रन बना सकता हूं और ऑस्ट्रेलिया में वापस खेलना जारी रख सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं वेस्टइंडीज सीरीज नहीं खेलूंगा। पाकिस्तान सीरीज के बाद मैं निश्चित रूप से अपना टेस्ट करियर समाप्त कर दूंगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2005 में कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। हरियाणा सरकार ने 2008 में पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की। हिंदी फिल्म अभिनेत्री बीना राय का जन्म 1931 में हुआ। दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका अभिनेता और संगीत निर्देशक बालू का जन्म 1946 में हुआ। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक नूतन का जन्म 1936 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक अनिल शास्त्री का जन्म 1948 में हुआ था। रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का जन्म 1959 में हुआ था। हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेता अशोक सराफ का जन्म 1947 में हुआ। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अंचत लक्ष्मीपति का निधन 1962 में हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नोटिस फेक है। भारत सरकार @edumenofindia द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप ऐप पर चैटिंग एक्सपीरियंस अब होगा और बेहतर। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक कंपनी की बोर्ड के UI को रीडिजाइन कर रही है। अपडेट के तहत यूजर्स को कीबोर्ड में GIF स्टिकर और इमोजी का ऑप्शन
बॉटम के बजाय टॉप में मिलेगा। इसी तरह अलग अलग मूड के इमोजी को चुनने के लिए इमोजी पैनल टॉप की बजाय कंपनी बॉटम में शिफ्ट करने वाली है। साथ ही फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए भी यूजर्स को डेस्कटॉप पर मौजूद प्लस आइकन की तरह ही ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही वे अलग अलग ऑप्शन जैसे कॉन्टैक्ट, इमेज, पोल आदि को चुन पाएंगे। कुल मिलाकर कंपनी ये अपडेट चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर और सभी फंक्शन को एक क्लिक में एक्सेस करने के लिए ऐप पर ला रही है। फिलहाल ये अपडेट कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, जो आने वाले समय में सभी को मिलेगा। आज देश भर में जेईई एडवांस की है परीक्षा। आज यानी कि रविवार को देश भर में 221 शहरों में जेईई एडवांस की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है, जो कि दो पालियों में ली जाएगी। बता दें कि परीक्षा के पहले पाली की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से होगी, जो कि 5:30 बजे तक चलेगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को पहले पाली की परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे लॉगिन करने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पारदर्शी बोतल व पेन पेंसिल लेकर जाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। मालूम हो कि बिहार के जिन 9 शहरों में जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत दरभंगा, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व रोहतास शामिल है। बीते दिन मदुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, मृत्युंजय कुमार, सोना मिश्रा, अजीत कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मंटू कुमार, के सिन्हा, प्रहलाद कुमार, आरती कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, उज्ज्वल कुमार, पवन सिंह, प्रयास सिंह, अंशु कुमार, पीके पासवान, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप रेलवे का टिकट ऑनलाइन कटवाते समय भारतीय रेलवे की ओर से दी जाने वाली इंश्योरेंस लेते हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।